हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग इनवर्स होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। और मान लीजिए कि आपके पास एक अल्फाबेट सेट है सिग्मा, जिसमें 0 1 2 है, और एक टाउ है जिसमें अल्फाबेट्स हैं ए एन बी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था होमोमॉर्फिज्म, दैट वाज अ मैपिंग ऑफ सिग्मा टू टाउ स्टार। सो दिस वाज द होमोमॉर्फिज्म। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? इनवर्स होमोमॉर्फिज्म होगा कि आप मैप करेंगे टाउ से सिग्मा की तरफ। फाइन, सो दैट विल बी द इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। सो लेट्स से कि आपने डिफाइन किया हुआ है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ए एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ए बी एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ 2 इज इक्वल्स टू बी ए। लेट्स से आपके पास एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में एलिमेंट्स हैं ए बी ए। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो अगर आपको लैंग्वेज फाइंड करनी है कोरस्पॉन्डिंग टू इनवर्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ लैंग्वेज एल, तो वो क्या होगा? वो होगा ये जो लैंग्वेज हमने लिखी है ए बी ए, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम मैपिंग करेंगे टाउ से सिग्मा की तरफ, मतलब कि इसमें जो अल्फाबेट सेट आएगा वो 0 1 2 वाले आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने ए बी ए लिखा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग गेस करना पड़ेगा कि सिग्मा से कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करते हैं। तो हम ए को 0 मान सकते हैं, फाइन। इसी तरह से ये जो बी ए है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम 2 मान सकते हैं, और ये जो बी ए है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम 2 मान सकते हैं। तो 0 2 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट विच कैन कम हियर इन दिस लैंग्वेज। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो ए बी है इसको 1 मान लें, एंड देन ये जो ए है इसको हम 0 मान लें, और ये जो बी है इसको हम 2 मान सकते हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो 1 0 2 भी इसका पार्ट होगा इस लैंग्वेज का। और मान लीजिए कि हमने दोबारा हम लिख लेते हैं ए बी ए को। नाउ लेट्स से ए बी को हमने मान लिया 1, और ए बी को हमने मान लिया 1, और ए को मान लिया 0, तो 1 1 0 ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लैंग्वेज है वो फाइनाइट लैंग्वेज है, तो चूंकि ये लैंग्वेज फाइनाइट लैंग्वेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है दैट इज क्लोज्ड। फाइनाइट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी, जो फाइनाइट लैंग्वेज होगी वो रेगुलर होगी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स होमोमॉर्फिज्म के अंडर में ये क्लोज है। तो अभी हम लोगों ने फाइनाइट के लिए लिया, आइए हम लोग दूसरे तरह की लैंग्वेज भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट से हमने जो दूसरी लैंग्वेज ले ली है दैट इज ए बी ए स्टार। ओके, सो इसमें लैंग्वेज में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? सो ए ओनली, अगर आपने स्टार के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं की। एक बार आपने सेलेक्ट किया सो दिस विल बी ए बी ए, एक बार और आपने सेलेक्ट किया सो ए बी ए बी ए हो जाएगा। ओके, अगर आपने एक बार और सेलेक्ट किया सो दिस विल बी ए बी ए बी ए बी ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। अगर आपने इस लैंग्वेज का इनवर्स होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने की कोशिश की, सो लेट्स से L2 का आप इनवर्स होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखेंगे? आपको याद होगा, एक बार चलिए हम दोबारा से लिख लेते हैं कि H0 को हमने माना था ए, H1 को हमने माना था ए बी, और H2 को हमने माना था बी ए। ओके, सो आई जस्ट हैव ए, सो आई कैन राइट 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। नाउ फॉर ए बी आई कैन राइट 1, एंड फॉर ए आई कैन राइट 0, सो दिस विल बी 1 0। अगर आप ए को 0 मान लें और बी ए को 2 मान लें, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 0 भी इसका पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं ए बी ए बी ए, तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 1 0, 0 2 2 एंड 1 0 2। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 1 0 एंड देन 0 2 2 एंड 1 0 2 2 या 1 1 0 2। ओके, तो
सो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ इसमें से अगर आप कोई एक ये पार्ट सेलेक्ट करें, लेट्स से 1110, तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1*0। इसी तरह से अगर आप 0222 ले लें, सो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 02*। एंड देन अगर आप ये वाला पार्ट ले लें 1022, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 102*। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपने इसमें लिखे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन किया जा सकते हैं। इसका मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमने क्या फाइंड किया, 1*0 + 02* एंड +102*। तो या तो ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा, कोई भी अगर आप इसमें से एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें, मतलब कि H-1L2 में से आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे, तो वो आप उसको आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज रेगुलर होगी। सो वी कैन से दैट द रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।